हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर हंटर किलर से अब कांपेंगे दुश्मन, भारतीय सेना को मिलेंगे और 118 अर्जुन टैंक। जी हां दोस्तों, सरकार ने दे दिया है सप्लाई का ऑर्डर। अभी की बड़ी और सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, आखिर क्या है इस खबर के पीछे। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है दोस्तों। 5 AK-47 और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे आपको। साथ ही आगे बताएंगे, जहां पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। POK में मौजूद है 200 से 300 की जनसंख्या में आतंकवादी, बड़ी खबर। और ये आगे आने वाले त्योहारों पर बड़ा हमला करने वाले हैं दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही बताएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक के USA दौरे में कौन कौन सी चीजें हुई है दोस्तों, और अभी कौन कौन सी चीजें होने बाकी, हर तरह की आपको चीजें बताएंगे। साथ ही भारत के साथ 5G पर काम करने की इच्छा जताई है दोस्तों, PM मोदी से मिले क्वालकॉम के CEO, बताएंगे इसकी भी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे, जहां पर ताइवान को डराने के लिए चीन ने फिर एक बार भेजे 19 लड़ाकू विमान, क्या हुआ उसके बाद, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे, जहां पर गृह मंत्री शेख रशीद यानी पाकिस्तानी गृह मंत्री ने फिर से न्यूजीलैंड टीम को लेकर बड़ी बात कह दी और भारत को भी इल्जाम लगाते हुए कहा है दोस्तों कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में खेलने आएगी और पाकिस्तान में आने के लिए जिद करेंगी दोस्तों, आपको बताएंगे। और आप भी हंसी के पात्र बनते नजर आएंगे दोस्तों, गृह मंत्री शेख रशीद की बात सुनकर। इसके साथ आपको बताएंगे, जहां पर LIC का IPO आने से पहले चीन को रोकने के लिए भारत उठाने जा रहा है ये कदम, क्या कदम है दोस्तों, इसकी जानकारी देंगे आपको। साथ ही दिग्गज संतों से मिलकर चुनावी मूड भापेंगे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ भी संभालेंगे मोर्चा, बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है बड़ा तगड़ा झटका, इस बड़े ब्राह्मण नेता ने छोड़ा है कांग्रेस पार्टी, बताएंगे कौन है वो दोस्तों। साथ ही आधार कार्ड बनवाने के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, UIDA ने दी है इसकी बड़ी जानकारी, सभी लोगों पर पड़ेगा इसका सीधा असर, क्या है दोस्तों वो नया बदलाव, नया रूल। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, इसीलिए बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी, हां तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हंटर किलर से कांपेंगे दुश्मन, भारतीय सेना को मिलेंगे और 118 अर्जुन टैंक, सरकार ने दिया है सप्लाई का ऑर्डर। बता दे, भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार थल सेना के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF से नई क्षमताओं से लैस 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन AK-1A खरीदेगी। सेना की लड़ाकू क्षमताओं में इजाफे के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को 7523 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना की खातिर 118 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन की खरीद को लेकर एक करार को अंतिम रूप दे दिया है दोस्तों। मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी HVF अवडी चेन्नई को यह ऑर्डर दिया है, और ये MBT MK-1A अर्जुन टैंक का नया संस्करण है यानी न्यू एडिशन है, जिसमें 72 नई विशेषताएं और MK-1 संस्करण से अधिक स्वदेशी उपकरण भी है दोस्तों। ऐसे में अब थर थर कांपने वाले हैं चीन और दुश्मन पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन खरीद रही है भारत, बड़ी खबर। इसके लिए कांग्रेचुलेशन टू इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर, 5 AK-47 और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में उरी के नजदीक रामपुर सेक्टर में गुरुवार को भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां पर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि आतंकी हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से
भारतीय सीमा में घुसे थे। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि गुरुवार को हाथलंगा के जंगलों में घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी है, बाकी के बारे में पता लगाया जा रहा है। आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 7 पिस्तौल, 5 AK-47 की मैगजीन, 24 UBGL ग्रेनेड, 38 चीनी हथगोले, 7 पाकिस्तानी ग्रेनेड और 35,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी मुद्रा बरामद किया गया है। दोस्तों ये तो शोर है दोस्तों कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी ही है, क्योंकि इनके पास मुद्रा भी पाकिस्तानी ही बरामद की गई। ऐसे में ये पाकिस्तान की बड़ी चाल को हमारी भारतीय सेनाओं ने, जिन पर हमको गर्व है दोस्तों, उन्होंने इसको नाकामयाब कर दिया है और एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत में वो शौर्य ताकत है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। दोस्तों इसीलिए आप भी कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी खबर से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीओके में मौजूद है 200 से 300 आतंकवादी। जी हां दोस्तों, खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के टेरर कैंप में बड़ी संख्या में आतंकियों के होने की जानकारी मिल रही है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी कैंप में 200 से 300 आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली है दोस्तों। और भारत में आने वाले इन त्योहारों पर बड़ा हमला, बड़े धमाके की इनकी मनसा थी दोस्तों, जिसको पहले ही हमारे भारतीय सेनाओं ने पता लगा लिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले क्वालकॉम के सीईओ, भारत के साथ 5G पर काम करने की जताई है इच्छा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ग्लोबल सीईओज के साथ बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आर ओमोन से चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापक अवसरों पर प्रकाश डाला है। तो वहीं क्रिस्टियानो आर ओमोन ने भारत के साथ 5G और अन्य क्षेत्रों में काम करने की इच्छा व्यक्त की है। दोस्तों बड़ी खबर, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी जी ने विदेश नीति में सबसे अच्छा काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो आप भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में मोदी है तो हर चीज संभव है जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान को डराने के लिए चीन ने फिर भेजे 19 लड़ाकू विमान। द्वीपीय देश के इस फैसले से लगी है ड्रैगन को बड़ी मिर्ची। जी हां दोस्तों, चीन ने एक बार फिर ताइवान को अपनी सैन्य शक्ति से डराने का प्रयास किया है। गुरुवार को चीन ने एक ताकत का प्रदर्शन करते हुए ताइवान की ओर 19 लड़ाकू विमानों को भेजा। दरअसल ताइवान ने ऐलान किया है कि वो 11 देशों वाले प्रशांत व्यापार समूह यानी पैसिफिक ट्रेड ग्रुप का हिस्सा बनेगा। तो वहीं चीन ने भी इस समूह में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी लड़ाकू विमानों के जवाब में हवाई गश्ती बलों को तैनात किया गया और उन पर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नजर रखा गया है दोस्तों। और ताइवान को डराने और धमकाने की कोशिश की गई है दोस्तों इन 19 लड़ाकू विमानों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजकर दोस्तों, ताकि 11 देशों वाले प्रशांत व्यापार समूह से अपना नाम ताइवान वापस ले ले। जी हां दोस्तों, लेकिन ताइवान ने भी कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे और हम अलग देश हैं और अलग देश ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान खेलने आएंगी। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने से मना करते ही पाकिस्तानी राजनीति में भूचाल आ गया। पीएम इमरान खान से लेकर गृह मंत्री शेख रशीद और शोएब अख्तर से लेकर रमीज राजा तक सभी ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। गृह मंत्री शेख रशीद ने कुछ समय पहले कहा था कि न्यूजीलैंड की फौज इतनी नहीं होगी जितनी उन्होंने न्यूजीलैंड टीम की सुरक्षा के लिए आर्मी लगा दी थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जिस किसी को लगता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरा रद्द करने से पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा, उनकी बातों में किसी तरह का कोई तर्क नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया था, मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान का दौरा रद्द करने जा रहा है और इसके 3 दिन बाद ऐसा ही हुआ। क्रिकेट हमारा जुनून है और मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान खेलने के लिए आएंगी। मुझे लगता है कि पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और मैंने सूचना मंत्री को कहा था कि इस मुद्दे को अब खत्म कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं शेख
प्रत्याशित गृह मंत्री नहीं बल्कि कॉमेडी सर्कस में इनको होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं दोस्तों कि सारी क्रिकेट यानी पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए लड़ेंगी दोस्तों, और हर कोई जाना चाहेगा पाकिस्तान। अगर आप भी मानते हैं कि ये सपना सपना ही रह जाएगा पाकिस्तान का, तो आप भी शेख रशीद को सुझाव अवश्य दे दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर न्यूजीलैंड के झटके से बौखला इमरान खान। अब पीएम इमरान खान ने भी कहा भारत के खिलाफ शेर की तरह खेले हमारी पाकिस्तानी टीम। जी हां दोस्तों, उन्होंने न्यूजीलैंड के दौरा रद्द होने को लेकर बौखलाते हुए कहा है कि अब जब भारत के साथ हमारी पाकिस्तानी टीम की बैटल होगी दोस्तों, तो उसमें हमारी पाकिस्तानी टीम सीरियस होकर शेर की तरह खेलेगी और जीतकर वापस आएगी। तो दोस्तों शेख रशीद के साथ इमरान खान भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर हिंद महासागर के प्रवेश द्वार पर भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। चीन की हर चाल ऐसे होगी नाकाम। बता दे भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किया है दोस्तों, और इस हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पहुंच को रोकने के लिए इस युद्धाभ्यास को अहम माना जा रहा है। 20 से 22 सितंबर तक हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के युद्ध पोतों ने अपनी ताकत दिखाई, और इस युद्धाभ्यास हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सुंडा जल संधि के पास हुआ है। दक्षिण चीन सागर के नातुना द्वीप को लेकर इंडोनेशिया और चीन में विवाद है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से INS शिवालिक और कदमत ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन के खिलाफ साझा मोर्चा बना रहा है जापान और वियतनाम। इस गेम चेंजर समझौते पर किए दस्तखत। बता दें जिस समय दुनिया का ध्यान ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी निर्माण के लिए हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर टिका रहा है, उसी समय तभी जापान और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई दोस्तों, और कई विशेषज्ञों ने इसे मुलाकात को गेम चेंजर यानी तस्वीर बदल देने वाली बैठक कहा है दोस्तों। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी और वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियांग के बीच ये बैठक वियतनाम के हनोई में हुई है। दरअसल दोनों देशों के सेना प्रमुख ने एक अभूतपूर्व समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसमें प्रावधान है कि दोनों देश एक दूसरे को सैनिक उपकरण बेच सकेंगे और उनकी सेनाएं आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगी दोस्तों, जिसके बाद चाइना को जो मिर्ची लगी है दोस्तों वो देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर LIC का IPO आने से पहले चीन को रोकने के लिए भारत अब उठाने जा रहा है ये कदम। भारत की बीमा क्षेत्र की लोकप्रिय कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC को लेकर भारत सरकार विदेशी निवेश की मंजूरी के बारे में सोच विचार कर रही है, लेकिन चीन के निवेशकों को लेकर भारत सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। दरअसल LIC का IPO कुछ समय बाद आ सकता है, और इस IPO के शेयर में चीनी निवेश को रोकने के लिए भारत सरकार का पूरा फोकस है। गौरतलब है कि LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में $500 अरब की संपत्ति के साथ LIC की 60% से अधिक हिस्सेदारी है, और LIC के IPO का संभावित साइज $12.2 अरब बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत चीन के बीच उपजे तनाव के चलते भारत चीन के निवेशकों को दखल अंदाजी का मौका नहीं देना चाहता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा चीन को भारत की तरफ से झटका लगने वाला है। ऐसे में आपकी क्या राय, सुझाव होगी दोस्तों जरूर बताइएगा, और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों, तो कृपया करके हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की इस महामिसाइल की जद में है आधी दुनिया। पाकिस्तान चीन भी डर से कांपे। दरअसल अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने तैयार किया, और माना यह जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है दोस्तों। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन सहित कुछ देशों का कहना है कि भारत अग्नि 5 की सही रेंज का खुलासा नहीं कर रहा, और वैसे ये बात अलग है कि चीन और कई देशों को इस बात का डर है कि कहीं मिसाइल की जद में उनका पूरा क्षेत्रफल ना आ रहा हो। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, और DRDO ने दोस्तों और BDL ने मिल करके दिखा दिया है कि भारत में भी जान है, भारत में भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए DRDO को थैंक यू सो मच जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ UNSC में ड्रैगन की बड़ी फजीहत। चीन ने कहा तालिबानी नेताओं को
मिले यात्रा में छूट, जिसके बाद सभी देशों ने एक सुर में सुर मिलाकर कहा बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद चाइना का मुंह बनता नजर आया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान चीन ने अगर लांघी सीमा तो खैर नहीं, भारत करेगा अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स का सौदा। जी हाँ दोस्तों, भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सशस्त्र ड्रोन निर्माता जनरल एटॉमिक्स के प्रमुख से मुलाकात किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी 3 दिनों की अमेरिका यात्रा पर मौजूद हैं। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान राज में अफगान मीडिया का हुआ बुरा हाल, 150 अखबार हुए बंद, ऑनलाइन का ही है लेकिन अब सहारा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन ने दावा किया है कि वित्तीय संकट के कारण अफगानिस्तान में लगभग 150 प्रिंट मीडिया आउटलेट्स ने पूर्व सरकार के पतन के बाद से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की छपाई बंद कर दी है। दोस्तों बड़ा ही भयावह स्थिति अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है। दोस्तों मात्र अब ऑनलाइन मीडिया ही एक सहारा है अफगानिस्तान में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पंजशीर घाटी में क्या डटे हुए हैं अमरुल्ला सारे, अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, इनको लेकर बड़ी जानकारी मिली है। दरअसल नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि अमरुल्ला साले अपनी टीम के साथ कथित रूप से ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। दोस्तों वो ताजिकिस्तान इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि पूरे पंजशीर पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। दोस्तों और ताजिकिस्तान पहुंचकर दोस्तों पूरे तालिबानियों पर अपनी नजर गड़ा सके और एकदम से इनको मौका देख करके पलटवार किया जा सके। दोस्तों इनसे जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको बताई है। दोस्तों इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने कहा कि भारत और जापान को नहीं मिलेगी ऑकस सुरक्षा गठबंधन में जगह। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाए त्रिपक्षीय गठबंधन ऑकस में भारत या जापान को शामिल किए जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। दोस्तों व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछले हफ्ते ऑकस की घोषणा केवल सांकेतिक नहीं थी, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यही संदेश दिया है कि हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए बनाए गठबंधन में किसी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो फ्रांस ही क्यों ना हो। साकी से सवाल किया गया था कि क्या भारत या जापान को इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर भारत इसमें शामिल नहीं हुआ तो चाइना को जवाब नहीं दे पाएगा अमेरिका और चाइना से बदला, और चाइना को झुका नहीं पाएगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ राष्ट्रपति मैक्रों ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात, अब अमेरिका लौटेंगे फ्रांस के राजदूत। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, 9 पुलिस वाले हो गए घायल। दरअसल असम के दारांग जिले के धौलपुर गोरू खूटी इलाके में गुरुवार को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिस अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों यानी प्रदर्शनकारी के बीच झड़प में कम से कम 2 प्रदर्शनकारी मारे गए। दोस्तों और 9 पुलिसकर्मी समेत कई अन्य घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर दिग्गज संतों से मिलकर चुनावी मूड भापेंगे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संभालेंगे मोर्चा। बता दे उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां सत्ताधारी भाजपा जन आशीर्वाद रैली के जरिए जनता को साध रही है, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। तो चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा अपने दिग्गज नेता और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रही है। इस कड़ी में अक्टूबर महीने से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत पार्टी के अन्य केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे तय किए जा रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको उत्तराखंड के चुनावों को लेकर, दोस्तों कौन सी पार्टी जीतने वाली आपके हिसाब से, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मुख्तार अंसारी ने फिर जताई है हत्या की आशंका, बोले खाने में जहर देकर मार सकती है मुझे यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर अपनी जान का खतरा जताया है। मुख्तार ने MPML विशेष कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि खाने में जहर देकर भी मारा जा सकता है क्योंकि सरकार नाराज चल रही है। उन्होंने उच्च श्रेणी की सुविधा को लेकर
न्यायालय में पत्र भी दिया है। दोस्तों ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे आप मुख्तार अंसारी को, इसके सवाल को लेकर बताइएगा। जरूर चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर फिर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, आहत अमरिंदर का दर्द मेरे साथ, ऐसा हुआ तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी में अपने अपमान से आहत है। बुधवार को उन्होंने एक इंटरव्यू में नवजोत सिद्धू पर निशाना साधा था। गुरुवार को उन्होंने पार्टी में अपने अपमान पर कहा कि यदि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इनके बात से सहमत अमरिंदर सिंह के बात से, बताइएगा। जरूर चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है तगड़ा झटका। इस बड़े ब्राह्मण नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता और पूर्व विधायक ललित शेपति त्रिपाठी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों जान ले कि ललित शेपति त्रिपाठी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परिवार से हैं। दोस्तों ललितेशपति त्रिपाठी साल 2012 में मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा से विधायक बने थे। ललितेशपति त्रिपाठी पूर्वी यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे थे। दोस्तों ऐसे में बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को लगा है। दोस्तों क्या राय होगी इस पर आपकी, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो सोनीपत में स्कूल की छत गिरी, जिसमें 25 छात्र छात्राएं हो गए घायल, कई पीजीआई रेफर कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो आधार कार्ड बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, यूआईडीए ने दी इसकी बड़ी जानकारी। सभी पर पड़ेगा इसका सीधा असर। दरअसल बाल आधार आधार कार्ड का एक नीले रंग का वेरिएंट है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अब नए नियम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। तो वहीं बच्चे की उम्र 5 साल की होने पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है और कैसे आप बच्चे का बाल आधार बनवा सकते हैं, दोस्तों हमने सारी चीजें स्क्रीन पर दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।